से गैजेट्स का बहुत चल रहा है, चाल चलन बहुत चल रहा है गैजेट्स का, मोबाइल शॉप्स हो जाए पहले फोटो ले लो। सो गाइस आज मेरे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन राणे द सुपरस्टार। हाय सर, हाउ आर यू? सर बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? क्या गलत इन्फॉर्मेशन, सुपरस्टार हैं आप सर, आपकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट चल रही हैं, अभी आपने रिसेंटली अवार्ड लिया है, आज यहाँ कैसे आना हुआ पंजाबी बाग में? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के साथ कुछ 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पता नहीं मैं इनके लिए लकी हूँ या ये मेरे लिए लकी है, क्योंकि हम दोनों ग्रो कर रहे हैं और आप जिस भी चीज़ के साथ जुड़ते हो और अगर वो चीज़ ग्रो करती है तो आई थिंक उससे बेटर कोई फीलिंग नहीं, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी हियर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में आपको क्या डिफरेंट लगता है इन कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं आजकल हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टोर्स हैं काफ़ी हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में ही क्यों आपने दिलचस्पी दिखाई? जैसे कि मैंने कहा 7-8 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इनका जो कस्टमर्स को ट्रीट करने का तरीका है वो मैंने और कहीं नहीं देखा, ये बहुत ही ज़्यादा अपनी कम्फर्ट जोन से आगे निकल के कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, जो मैं हैदराबाद के दिनों से देखता आ रहा हूँ वो मेरे दिल में रह गया है और दैट फीलिंग आई डोंट थिंक यू कैन रेप्लिकेट थ्रू एनीथिंग दैट यू डू। अच्छा आजकल जैसे गैजेट्स का बहुत चल रहा है, चाल चलन बहुत चल रहा है गैजेट्स का, मोबाइल शॉप्स हो जाए पहले फ़ोटो ले लो ठीक है। जैसे आजकल गैजेट्स का सर, जैसे बहुत आजकल चलन चल रहा है मोबाइल फ़ोन्स स्मार्ट स्मार्ट वॉचेस, आपका फेवरेट गैजेट क्या है? वॉशिंग मशीन मुझे पता नहीं कपड़े धुलते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है, मैं बचपन से प्रॉब्लम है, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने इसमें, मैं देखता रहता था कि कैसे धुल रहे हैं, अब तो कांच वाले ढक्कन भी आने लगे, मैंने अभी ऊपर देखा, कमाल का टाइम पास है, बहुत ही कमाल। वॉशिंग मशीन की फैंटेसी पता नहीं सर, ये बहुत ही अजीब सी फैंटेसी है, कुछ भी कह लीजिए इसको, बट बचपन में मेरे को बहुत मज़ा आता था कि कैसे कपड़े घूमते थे, झाग बनता था, पानी आता था, फिर वो ड्राई होता था, अमेजिंग प्रोसेस। अच्छा मैं आपसे टॉपिक से हटके थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपकी अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आपके फैंस वगैरह को थोड़ा सा बता दीजिए। सर तो फैंस की बदौलत ही मुझे आई थिंक थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ है आफ्टर तैश, क्योंकि पहली और दूसरी फिल्म तो मेरी चली नहीं, फिर उसके बाद काफ़ी प्यार मिला लेकिन वो ऑनलाइन मिला, थिएटर में ना चलने की वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगा, फिर कोविड के वजह से थोड़ा गैप आया, लेकिन कोविड के टाइम पे कुछ मैंने चीज़ें लॉक करी और जिसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो होपफुली अक्टूबर नवंबर से वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। सो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग इतने साल से पेशेंट हैं, कुछ महीने की और पेशेंस रखिए एंड आई होप आप सबको अच्छा लगे। नहीं, पीपल रियली लव्ड यू इन सनम तेरी कसम, दैट मूवी वाज अमेजिंग, योर वर्क वाज अमेजिंग एंड आपकी फिजिक के तो सब दीवाने हैं, इतना अच्छा आपका फिटनेस है, सो आई रियली विश कि आगे आ जाने वाली आपके अपन जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं सब अच्छे रहें एंड 15 अगस्त आने वाला है, थोड़ा सा फैंस को विश कर दीजिए अपने अंदाज में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा हमें ज़रूरत है पॉजिटिविटी लाने की अपने अंदर, क्योंकि थोड़ा सा माहौल एक हल्का सा इधर उधर जा रहा है, लेकिन लेट्स नॉट फोकस ऑन एनी ऑफ दोज थिंग्स, लेट्स फोकस कि हमने क्या क्या अचीव किया है 75 ईयर्स में, कोई और कंट्री ने इतना कुछ अचीव नहीं किया है। प्लीज़ गूगल पे जाइए, जो आपका फेवरेट है वहाँ जाके देखिए दूसरे कंट्रीज़ की क्या हालत है, हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट और कोई लिमिट नहीं है हम कहाँ तक जा सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा बात कर।